पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो अगले महीने भारत यात्रा पर आएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिलावल की ये यात्रा अगले महीने के शुरुआत में 4 मई को होगी। बिलावल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में हिस्सा लेने भारत पहुंचेंगे। बता दें कि शंघाई संगठनों की ये बैठक 4 और 5 मई को गोवा में आयोजित की जाएगी। SCO की आखिरी बैठक उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई थी। गौरतलब है कि साल 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बाद अब ये किसी पाक नेता की पहली भारत यात्रा है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में ईद, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती के मद्देनजर सरकार की ओर से सख्त गाइडलाइन जारी की गई हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि इस दौरान सड़कों पर किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन या जुलूस की अनुमति नहीं होगी। सभी धार्मिक कार्यक्रम घर के अंदर ही आयोजित किए जाएंगे। ऐसी संभावना बताई जा रही है कि तीनों त्योहार 22 अप्रैल को ही आयोजित होंगे। यूपी के प्रधान सचिव और विशेष पुलिस महानिदेशक ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक करके निर्देश जारी किए हैं। खालिस्तानी समर्थक और वारिस पंजाब के प्रमुख अमृतपाल सिंह के खिलाफ पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल पंजाब पुलिस ने गुरुवार को अमृतपाल की पत्नी को हिरासत में ले लिया। उन्हें पंजाब पुलिस ने अमृतसर से हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक अमृतपाल की पत्नी को उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो लंदन जाने के लिए अमृतसर एयरपोर्ट पहुंची थी। दिवंगत डायरेक्टर और फिल्म मेकर यश चोपड़ा की वाइफ पामेला चोपड़ा का आज सुबह यानी 20 अप्रैल को निधन हो गया। वो 74 साल की थी। इसकी जानकारी YRF ने अपने ट्विटर हैंडल से दी है। साथ ही बताया कि उनका अंतिम संस्कार आज सुबह 11 बजे किया जाएगा। पामेला पॉपुलर प्लेबैक सिंगर के साथ एक फिल्म राइटर और मेकर भी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पिछले 15 दिनों से मुंबई के लीलावती अस्पताल में एडमिट थी। डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा था, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। पामेला चोपड़ा को आखिरी बार YRF डॉक्यूमेंट्री द रोमांटिक्स में देखा गया था, जहां उन्होंने अपने पति यश चोपड़ा और उनकी जर्नी के बारे में बात की थी।